नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। बल्लू, योगी परोल पे छूटे हो, आजाद नहीं हुए, याद रखना। जनरल साहब, डरिए मत, हम अपनी आजादी का नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। 37 गाड़ियां चोरी करके बेची थी तुमने, शहर से अगर एक भी कार गायब हुई तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाओगे। विवेक, टेंशन है क्या? कोई स्ट्रेस में लग रहे हो? स्ट्रेस तो बहुत सारे होते हैं लाइफ में, लेकिन उस स्ट्रेस से बाहर निकलने का तरीका अगर गलत हो ना, लाइफ और स्ट्रेसफुल हो जाती है। सिर्फ दो पल की खुशी के लिए इंसान कभी कभी जिंदगी भर की आफत पाल लेता है। इतने फिलोसफिकल क्यों हो रहे हो? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? आउच! आप? ये मेरे हस्बैंड विवेक। कैसे हुआ ये सब? मैं और विवेक पार्टी से घर लौट रहे थे, फिर अचानक से एक बाइक आई और फिर आउच! अबे पागल है क्या? पैकेट आए से? स्टूपिड, समझ में नहीं आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हट गए, बाहर निकल। अरे अरे कौन? अरे कौन है? तो उन लोगों ने लूटपाट की कोई कोशिश नहीं की? कौन थे वो लोग, कुछ आइडिया आपको? सर, उनमें से एक ने हेलमेट पहना था और एक का चेहरा ढका हुआ था। बाइक कौन सी थी? बाइक का नंबर देख पाई आप? अच्छा, आपने कहा कि आप किसी पार्टी से आ रही थी, किसकी पार्टी थी? विवेक के बॉस की। बॉस का नाम? भास्कर गुप्ता, वो विंशोर कंपनी के मैनेजर हैं और विवेक उनके सुपरवाइजर थे। और जिस घर में पार्टी थी वो घर कहाँ पर? मॉडल टाउन। आते रहना तुम लोग। या श्योर, संभाल के जाना प्लीज। टेक केयर। अरे डोंट वरी, मैं हूँ संभालने के लिए। सर, गाड़ी में ये मोबाइल मिला है। ये फोन विवेक का लॉक है। इसका पासवर्ड क्या है? मुझे नहीं पता सर। वन सेकंड सर, यहाँ दूर दूर तक सीसीटीवी मिलने के कोई चांसेस नहीं है, और अगर विवेक अपने बॉस के घर से आ रहा था तो शायद वो बाइकर्स उसे वहीं से फॉलो कर रहे होंगे। और कातिलों ने लूटपाट करने की कोई कोशिश नहीं की, और विवेक की बीवी को सही सलामत छोड़ दिया। कातिल विवेक का कत्ल करने के इरादे से आए थे ये तो लग रहा है, पर आई विटनेस को इस तरह जिंदा छोड़ देना अटपटा नहीं लग रहा? क्या कातिलों को जरा भी खौफ नहीं था कि विवेक की बीवी उन्हें पहचान सकती है या बाइक का नंबर नोट कर सकती है? Thank you.
सर, विक्टिम की विंड पाइप और फूड पाइप बुरी तरह से काटी गई है। चाकू इतनी सफाई से चलाया गया कि विक्टिम की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई होगी। विवेक के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन काम किसी के लिए नहीं रुकता। तपन, विवेक के सारे क्लाइंट्स अब तुम संभालोगे, आकाश को अपने साथ रखो। विवेक के क्लाइंट्स की सारी डिटेल्स आकाश के पास है। जी सर। आकाश, अब से तुम तपन को रिपोर्ट करोगे। नाउ ही इज योर बॉस। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो तरुण, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बारे में पुलिस को जरा सा भी पता चल गया ना, तो मैं सच में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। हम दोनों के लिए बेटर रहेगा कि तुम मुझे कॉल ही मत करो। अब क्या? तरुण मेरी बात सुनो पहले। तरुण, नहीं सर, कोई ओकेजन नहीं था, बस एक कैजुअल सा गेट टुगेदर था। सो विवेक और उसकी वाइफ डिनर पे आ गए थे। विवेक की मौत से किसको फायदा हुआ होगा? हमारा तो नुकसान ही हुआ है सर। मतलब? एक एफिशिएंट सुपरवाइजर खो दिया हमने। कंपनी को सबसे ज्यादा बिजनेस वही लाके देता था। इस साल हमारी कंपनी का टर्नओवर 1.5 गुना बढ़ गया है। कंपनी के 40% से भी ज्यादा क्लाइंट्स विवेक लेकर आया है। थैंक यू सर। गुड जॉब। नाउ आई वुड लाइक टू सी कि अगले साल विवेक से भी ज्यादा क्लाइंट्स कौन लेकर आता है। मिस्टर भास्कर, क्या आपके ऑफिस में कोई ऐसा है जिसका विवेक से कभी कोई झगड़ा हुआ या विवेक को नापसंद करता? सर, विवेक एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। उसके साथ और उसके आसपास काम करने वाले सभी उससे बहुत खुश रहते थे। मैं पिछले 1 साल से विवेक सर को असिस्ट कर रहा था। फिर तो विवेक के दोस्त और दुश्मन सबको अच्छे से जानते होगे तुम। सर, ऑफिस है ये, यहाँ सब कोलीग्स होते हैं, दोस्त या दुश्मन नहीं होते। दुश्मन ना से लेकिन कंपटीटर तो होते हैं ना। तुम और विवेक एक ही पोस्ट पर थे तो कंपटीशन तो रहता होगा और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश भी होती होगी। हाँ सर, पर हेल्दी कंपटीशन था सर, इसी से ही इंसान की ग्रोथ होती है। जो कि तुम्हारी हुई तपन, क्योंकि विवेक के जाने के बाद उसके सारे क्लाइंट तुम्हें मिल गए। राइट? राइट मैम, तपन को फायदा तो हुआ है। तो तुम ये कह रहे हो कि विवेक के मर्डर के पीछे तपन का हाथ है? नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं कह रहा। सर, मुझे नहीं लगता कि विवेक के मर्डर का कनेक्शन उसकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा होगा। तो क्या पर्सनल लाइफ से जुड़ा? आप तो विवेक की पर्सनल लाइफ के बारे में काफी कुछ जानते होंगे। विवेक का अपनी वाइफ के साथ रिलेशन कैसा था? दोनों में से किसी का कोई अफेयर? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। ना चाहते हुए भी तुम्हारे पास खींचा चला आता हूं। The number you have called is currently not reachable. देखो, हर जगह के कुछ राज होते हैं, चाहे वो घर हो या कंपनी। वो राज खुल जाए तो नुकसान सबका हो सकता है।
भयानम भूदड़ा जीवितम कपतजम्बु फलचार भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भोभदारुणम नम कंज लोचन कंज मुखर कन्यापद कंजारुणम कंधर प्रकृत सुंदरम पटपीतमान तड़ित्र सावरम लो प्रसाद लो दिन अच्छा रहे। बस पंडित जी पूजा ही करते रहो तुम, नौकरी तो होती नहीं तुमसे। कुकर की 3 सीटियां लगने पर गैस बंद कर देना, कम से कम इतना तो कर सकते हो ना। मैं काम पे जा रही हूँ, कुछ नहीं। तो मैंने भास्कर के घर से लेकर क्राइम सीन तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज है सभी को खंगाले। बंजारा क्रॉसिंग के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक स्पॉट हुई है। ये विवेक की कार है और ये वो बाइक है जो इसे फॉलो कर रही है। वैसे यही फुटेज मैंने विवेक की वाइफ श्वेता को भी दिखाई। हाँ मैम, यही थी वो बाइक और ये दोनों वही हैं। लेकिन ये फुटेज बिल्कुल क्लियर नहीं है, ना तो बाइक का नंबर नजर आ रहा है और ना ही बाइक सवार की शक्ल। लेकिन फिर भी सर, श्वेता काफी दावे के साथ कह रही है कि यही वो किलर है। और सब विवेक का फोन अनलॉक हो गया है, मैंने चेक भी किया है। विवेक एक प्रथा नाम की औरत के साथ काफी टच में था, दोनों के बीच में ओपन मैसेजिंग होती थी। और सब मैसेज को पढ़ के लग रहा है कि इन दोनों के बीच में अफेयर था। कौन है ये प्रथा? सब विवेक की कलीग तरुण की वाइफ है। मैसेजिंग प्रोफाइल पे तरुण के साथ प्रथा की फोटो भी है। इस लिहाज से तो तरुण और विवेक की बीवी श्वेता, इन दोनों का मोटिव स्ट्रांग लगता है। लेकिन सर, हैरान करने वाली बात यह है कि विवेक की बीवी श्वेता और तरुण भी फोन पे काफी टच में थे। श्वेता से मिलकर आ रहे हो ना? एक तरफ विवेक और तरुण की बीवी का अफेयर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ विवेक की बीवी श्वेता और तरुण का आपस पे फोन पे टच में होना, ये खिचड़ी को समझ में नहीं आ रही। और सर, एक तरफ ये बाइकर, मुझे लगता है ये बाइकर्स स्पारी किलर्स होंगे जो तरुण या श्वेता से कनेक्टेड हो सकते हैं। इन दोनों की बैकग्राउंड अच्छी तरह से खंगालो और तरुण की बीवी से मिलो, देखो अब वो क्या बोलती है। ओके सर। ये क्या, थोड़ी और धार लगा, मक्खन की तरह कटना चाहिए मुर्गा। सर, मेरे और विवेक के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा आपको लग रहा है। मैडम, ये मोबाइल फोन विवेक का है। आपकी विवेक के साथ जो भी बातचीत होती थी ना, वो सारे मैसेजेस इसमें हैं। कुछ पढ़ के सुनाऊं आप, आपकी याददाश्त ताजा हो जाएगी। विवेक लिखता है, रथा तुम मैग्नेट हो, तुम्हें देखता हूं तो बस ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास आ जाऊं। आगे आप लिखती हैं, ओ विवेक, हमारी अगली मुलाकात कब होगी? और आगे पढ़ूं, ये इतना काफी? सर, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मैं अपने पति को कोई धोखा नहीं दे रही थी। तो क्या पति पत्नी दोनों ने मिलकर विवेक को ट्रैप किया था? सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारा विवेक के मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है या नहीं वो तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे पता चला कि आप कुछ जानती थी और चुप रही तो बाद में बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सर, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ए बोलो जी, योगी भैया आज जी भर के कर लो याशी। बताओ किसके साथ मनाओगे दिवाली? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भू
80 90 पूरे 100 जान जान हां आराम से एकदम बढ़िया योगी भैया सी यू लेटर अबे लेटर मत रे आराम से आ गए अरे बस तुमको बड़ी परेशानी हो रही है तेरा नाम क्या है चंदा अरे नहीं मैं जान देना सुना तुझे मेरा नाम पता है क्या नाम भी पता काम भी पता है चोर है ना तू गाड़ी चोर तुझे क्या लगता है कि तेरा चोर नहीं पुलिस वाले आएंगे हैं पुलिस वाले भी आते हैं इधर पर मजे करके चले जाते हैं साले और पैसे भी नहीं देते कमीने कौन आया था बताना बात करने का अलग से चार्ज लगे तो बड़ी लालची लड़की है तरुण पुलिस ने तुम्हारी बीवी से पूछताछ की उन्हें शक तो नहीं हो रहा है सर उन्हें शक तो है पर प्रधान ने कुछ बताया नहीं सर लेकिन ये श्वेता सर ये विवेक की बीवी बहुत परेशान कर रही है सर इसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है मैं क्या तो हैंडल करो हमारे राज पुलिस को मालूम नहीं पड़ने चाहिए विवेक की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कई ऐसे राज थे जो उसके मर्डर की वजह नजर आ रहे थे और उन दो बाइकर्स को पुलिस सुपारी किलर भी मान रही थी लेकिन उनकी तलाश का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था लेकिन विवेक मर्डर केस अब एक और मर्डर केस से जुड़ने वाला था सर जिस तरह से विवेक का मर्डर हुआ था एक महीना पहले ठीक उसी तरह से सुपेला में भी एक मर्डर हुआ था इस मर्डर की मर्डर सुप्रेंडी भी सेम थी विक्टिम का गला स्लिट किया गया था और विवेक की तरह इसकी लाश भी गाड़ी के पास ही मिली थी था कौन ये बंदा सर नागेश क्रिमिनल लॉयर था सच और झूठ में जीत किसकी होती है पता है विनय जी जी नहीं उसकी जिसके पास अच्छा वकील होता है तुम्हारे भाई के खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस है दो दो आई विटनेसेस है जिन्होंने उसे मर्डर करते हुए देखा है सर इसीलिए तो आपके पास आए हैं आप ही कोई रास्ता दिखलाई सर खरीदने पड़े गवाहों को उसके लिए पैसे लगेंगे और जमानत के लिए 1,00,000 अलग से सर रकम थोड़ी कम हो जाती तो मोल भाव करना है तो सब्जी मंडी दो गली छोड़ के आप नाराज मत हो नागेश जी पैसों का इंतजाम हो जाएगा बस आप किसी भी तरह से मेरे भाई को छुड़वा दीजिए प्लीज समझो बच गया अब कल तक एडवांस भेज दीजिए तो तुम्हें लगता है कि इस वकील नागेश और विवेक के मर्डर का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है सर कम से कम कातिल तो सेम ही हो सकता है या फिर दो अलग अलग लोगों ने एक ही बंदे को सुपारी दी हो तो फिर सुपेला पुलिस से पूछते हैं कि इस वकील नागेश के मर्डर की कहानी क्या लीजिए बस ना पता चला लड़की का जाने दीजिए ना अपनी ही बेटी का मामला है आप कुछ करोगे तो हमारी बेइज्जती होगी वकील को सलाह दोगी तुम नाम बोलो बिरजू रसाली में रहता है पैर की जूती को सर पे बांधना चाहती है तुम्हारी बेटी यही संस्कार दिए तुमने सर नागेश एक तरह का बाहुबली था कानून को भी जानता था और गैर कानूनी काम करने वालों को भी इसके बाद हम उसके घर पहुंचे साहब मेरे पति का कातिल घर पर ही है इसी ने मरवाया है मेरे पति को खा गई है अपने बाप को ये ताकि इसका और इसके आशिक बिरजू का रास्ता साफ हो जाए ये बिरजू कौन है और कहां मिलेगा इस बिरजू की कोई तस्वीर आपके पास जी सर ये रहा सर इस बिरजू के पास नागेश को मारने का मोटिव तो है पर ये विवेक को क्यों मारेगा इस बिरजू की कोई हिस्ट्री
नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये बिरजू का विवेक से क्या ताल्लुक हो सकता है? तरुण, तुम मुझसे इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकते। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरी क्या हालत है इस समय। श्वेता, हम सिर्फ मजे के लिए मिलते थे, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा। प्लीज मुझे फोन करना बंद करो। अच्छा, अब भाग रहे हो तुम। देखो तरुण, अगर मुझे इस तरह से अवॉइड करते रहे ना तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी, समझे? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ ब्लैकमेल। हेलो हेलो, ये विवेक है। हमें लगता है इसका मर्डर आपके पति से कनेक्टेड है। क्या आप इनमें से किसी को जानते हैं? मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। नहीं, मैं भी नहीं जानती। आप इनमें से किसी को जानती हैं? नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। बस बस। अच्छा सुनो, स्कूल से पुष्प को लेते हुए जाना, ठीक है? और पूरे टाइम पूजा पाठ में मत लगे रहना। मुझे दो फेशियल करने हैं, टाइम लगेगा, तो घर में जाके चावल चढ़ा देना, ठीक है? ठीक है। दीदी, इतना प्रेशर ठीक है? दीदी, मैं एक मिनट गर्म पानी लेकर आती हूँ। क्या देख रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शर्माइए मत, बोलिए ना। अच्छी लगी मैं आपको? बहुत। तो उस बुढ़िया को इस घर से बाहर निकाल के फेंक दो और मुझे आपके साथ रख लो। हाँ? क्या बोल रही हो तुम? सही तो बोल रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, साहब फिसल रहे थे, मैंने उन्हें संभाल लिया। सर, विक्टिम का नाम संजीव सिन्हा है और ये इनके फादर है। सर, इस केस में भी सेम पैटर्न मालूम होता है, विवेक और नागेश की तरह। ये देखिए, और सर यहाँ पास ही में इधर बाइक के टायर के निशान है। मतलब नागेश और विवेक की तरह इस संजीव का भी गला काट कर मर्डर किया गया। जी दुश्मनी सर, अच्छा भला लड़का था मेरा बेटा संजीव। अभी अभी उसकी स्टील इंडस्ट्री में उसकी नौकरी लगी थी। स्टील इंडस्ट्री? जी सर। तीन कत्ल हुए और ये तीनों कत्ल उस वक्त हुए जिस वक्त विक्टिम्स अपनी अपनी कार में थे। मॉडस ऑपरेंडी सेम है, लेकिन इन तीनों मर्डर्स का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, एक कनेक्शन है स्टील इंडस्ट्री का। विवेक शर्मा और संजीव पांडे, ये दोनों स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। लेकिन नागेश? सर, साहू ने भी नागेश के बारे में एक इन्फॉर्मेशन निकाली है। ये नागेश 2 साल पहले स्टील इंडस्ट्री में लीगल एडवाइजर था। तो मतलब कातिल जो भी है वो स्टील इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अपना टारगेट बना रहा है। हो सकता है वो अपने अगले टारगेट की तलाश में हो। वो लड़का बिरजू, उसका कुछ पता चला जिसे नागेश ने सबके सामने दलील किया था? जी नहीं सर, साहू बता रहे थे कि नागेश की मर्डर के बाद से ये बिरजू हवा हो गया। बिरजू नागेश मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन पुलिस नागेश, विवेक और संजीव के कातिल को एक ही मान रही थी। पर बिरजू का विवेक और संजीव से ना कोई कनेक्शन मिल रहा था और ना ही बिरजू खुद पुलिस के हाथ लग रहा था। स्टील सिटी में हुई इन तीन हत्याओं ने शहर का माहौल बिगाड़ दिया था और आनन फानन में पुलिस ने इलाके के सभी हिस्ट्री शीटर्स को उठाकर अंदर कर दिया। लेकिन इतना सब करने के बावजूद ये हत्याएं थम नहीं रही थी।
सही इस आदमी का नाम देवाशीष है। यहाँ पास ही में एक छोटा सा ढाबा चलाता। इसके मर्डर की भी मोडस ऑपरेंडी सेम ही लग रही है। बाकी जितने भी कत्ल हुए वो सब के सब अपर क्लास के थे और कत्ल तब हुए जब वो लोग कार में थे। लेकिन ये एक छोटे से ढाबे का आदमी, इसके कत्ल का उन तीनों कत्ल से वाकई कोई कनेक्शन है या हमें गुमराह करने की कोई चाल है? सर, किलर का माइंड समझ में नहीं आ रहा है। समझना पड़ेगा, एक के बाद एक ये चौथा कत्ल, अब बिरजू अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा। अब क्या करेंगे योगी भैया, मर्डर केस में फंस गए तो बहुत लंबा जाएंगे। तुम परेशान हो तो हमने सोच लिया क्या करना है। सर, अपनी खबरों से पता चला है कि विवेक की मौत के एक हफ्ते पहले विवेक और तपन के बीच में काफी गर्मा गर्मी हुई। लेकिन ये बात हमें स्टाफ में से किसी ने नहीं बताई और ना ही बॉस भास्कर ने। झगड़े की वजह पता चली? यस सर, ये विवेक की परफॉर्मेंस तपन की परफॉर्मेंस से ज्यादा बेस्ट थी। पिछले दो साल से विवेक को बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल रहा था। तो मतलब बेस्ट के जाने के बाद जो बचा वही बेस्ट। उठाओ इस तपन को। सर, मेरा विवेक के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। देख, सीधी तरह बोल दे, वन उंगली नहीं पूरा हाथ टेढ़ा करूंगा। सर, थी मुझे उससे जलन। सर, बड़ी मुश्किल से मैं अपना टारगेट पूरा करता था सर, और विवेक सर हर बार टारगेट का डबल सेल करके कंपनी को देता था। हम दोनों सेम लेवल के थे सर, लेकिन सैलरी सर, सैलरी उसको ज़्यादा मिलती थी। इंसेंटिव सर, वो भी उसको ज़्यादा मिलता था, और ऑफिस से सभी लोगों की वाहवाही भी उसे मिलती थी। थैंक यू सर, गुड जॉब। इसलिए सुपारी दे दी उसकी, हटा दिया उसको रास्ते से। सर, मैंने उसको नहीं मरवाया है। अच्छा, सर सर सर, मैंने किसी को नहीं मरवाया है सर। सर सुनिए सर, विवेक अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है सर। कैसे? सर, मैं अंडर परफॉर्म करता था विवेक से, लेकिन मैं उसकी तरह कलीग की बीवियों पर गंदी नजर नहीं डालता था सर। तरुण की बीवी की बात कर? नहीं सर, आकाश और उसकी बीवी की। आकाश सर विवेक का असिस्टेंट सर, उसके बारे में विवेक ने कुछ कहा था सर, जिससे आकाश आगो बोला हो गया। जुबान संभाल के विवेक सर, मेरी बीवी को लेकर दोबारा ऐसी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकाश रिलैक्स, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करूंगा, लेकिन घर पर आराम से जाके सोचना। देख, अगर ये कहानी तूने अभी भी पकाई है ना, तो याद रखना इसी कमरे में तुझे रोस्ट करूंगा। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर, आप चाहे तो आकाश से कंफर्म कर सकते हैं। सर, क्यों लाए आप लोग मुझे यहां पर? टॉर्चर हो रहा हूं मैं यहां। तपन ने हमें सब बता दिया, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। बोलो क्या हुआ था तुम्हारे और विवेक के बीच में? सेल्स की जॉब ना बहुत स्ट्रेसफुल होती है, ना क्लाइंट खुश रहता है, ना घर में बीवी खुश रहती है, सबको कंप्लेंट्स है। क्यों? जी सर, शादी के कुछ साल के बाद ऐसा तो आम है। कर्स ऑफ रूटीन, यू नो मुझे समझ में नहीं आता, जब इंसान रोज एक ही सब्जी खा खा के बोर हो जाता है तो एक ही पार्टनर से बोर कैसे नहीं हुआ? लेकिन सर, अब पार्टनर्स को थोड़ी ना सब्जी की तरह बदल सकते हैं। बदल सकते हैं कभी कभी, हम करते हैं। मैं, भास्कर सर, तरुण, हम लोग एक दूसरे के पार्टनर्स के साथ, यू नो, रिलैक्स आकाश, इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस। सर वो सर, विवेक सर मुझे वाइफ स्वैपिंग के लिए बोल रहे थे। वाइफ स्वैपिंग? जी मैम। तपन और विवेक ने हमें जो बताया, क्या वो सच है? जी सर। लेकिन सर, हमने हमने जो भी किया वो आपसी सहमति से किया, किसी तीसरे को क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? सर, सबका कुछ ना कुछ स्ट्रेस बस्टर होता है, ये हमारा स्ट्रेस बस्टर है। जी, और हमने कोई क्राइम नहीं किया। आप अपने घर की चार दीवारी के अंदर क्या करते हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं, पर जब कोई क्राइम होता है ना तो निजी बात नहीं रह जाती। वाइफ स्वैपिंग, पत्नियों की अदला बदली, इज्जतदार और अमीर कहे जाने वाले लोगों के बीच मनोरंजन के नाम पर खेले जाने वाले इस खेल ने क्या इतना घातक रूप ले लिया था? क्या श्वेता और तरुण के बीच बढ़ रही नजदीकियां विवेक की मौत का कारण बनी थी, या फिर तपन और विवेक के बीच की दुश्मनी विवेक की मौत की जिम्मेदार थी?
या फिर विवेक की हत्या के पीछे कोई और ही मकसद था। लिहाजा पुलिस ने बिरजू को ढूंढ निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आखिरकार उसको पकड़ लिया गया। बोल तूने तीनों मर्डर्स क्यों किए? अपने पार्टनर का नाम बोल। साहब मैंने कोई मर्डर नहीं किया साहब। अच्छा तो फिर बिल में क्यों छुपा बैठा था? साहब मैं डर गया था साहब, अर्चना से प्यार करता था, उसके पापा नागेश ने मुझे मर्डर में फंसाने की धमकी दी थी। प्यार और जान में मैंने जान को चुना साहब और मैं भाग गया यहाँ से। तूने जान को चुना? साले तूने जान लेना चुना, पहले नागेश फिर विवेक और उसके बाद संजीव। बोल तूने तीनों मर्डर्स क्यों किए? बोल अपने पार्टनर का नाम बोल। साहब जिन जिन का नाम आप ले रहे हो साहब मैंने उनके नाम तक नहीं सुने। मेरा कसूर सिर्फ इतना है साहब मैं दूसरी जात का हूँ इसलिए आप लोग मुझे फंसा रहे हो साहब। देख सीधी तरह बोल दे वरना सड़ेगा यहाँ पे। बोल हमारे पार्टनर का नाम बोल। सर बोलो सर पेरोल पे जो दो हिस्ट्री शीटर आए हैं योगी और बल्लू उन दोनों की हमने बहुत तुड़ाई की तो उन दोनों ने कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन दी है। कैसी इन्फॉर्मेशन? सब हम अक्सर एक धंधे वाले के पास में जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब हम उसके पास गए थे तो उसने हमें ये बताया था। पता शहर में जो कांड हो रहे हैं कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अरे भाई पुलिस वाला मेरा रेगुलर कस्टमर है। लेकिन साहब उसने हमें ये नहीं बताया कि वो पुलिस वाला कौन है। वो तो नहीं बोल। अरे नहीं साहब हमें मरना है क्या आप लोगों के हाथों से? साहब एकदम सच में क्या? चल वो धंधे वाले का नाम और एड्रेस बोल। साहब एक मिनट साहब आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पूरे इलाके में शेरनी बनी घूमती है मेरे सामने भीगी बिल्ली बन जाती है। साहब थोड़ा तो रहम कर दो हम पर एक बार मेरी बात सुन लो। तू मत बोल उसे भेज उससे बात करूंगा चल जा। साहब एक बार मेरी बात सुन लो। चंदा का नंबर बंद है उसका पिम बता रहा है कि वो गोवा गई है लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो गोवा में कहाँ है। तो ये योगी और बल्लू हमें गोली तो नहीं दे रहे? हमें चंदा के जरिए किसी पुलिस वाले के चक्कर में उलझा रहे? मुझे नहीं लगता सर क्योंकि जब चौथा मर्डर हुआ था तो ये योगी और बल्लू हमारी कस्टडी में थे। अगर ये दोनों सच बोल रहे तो फिर ये जानना जरूरी है कि वो कौन सा पुलिस वाला है जो ये सारे मर्डर कर रहा है। सर मसला ये है कि अगर ये सच है तो हमें एक पुलिस वाले पे एक्शन लेना होगा। कोई मसला नहीं कानून की नज़र में सब बराबर है चाहे वो पुलिस वाला हो या आम आदमी। लेकिन पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि इन सारे कत्ल के पीछे क्या वाकई कोई पुलिस वाला है। दास अरे रुको रुको चाबी दो हमको गाड़ी हम लेके जाएंगे। एक तरफ किसी पुलिस वाले को इन मर्डर्स में सस्पेक्ट समझा जा रहा था और वहीं इस बार पांचवी हत्या खुद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आनंद कुमार की हुई थी और इस हत्या के बाद पुलिस हेडक्वार्टर तक हिल गया था। सर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ये जो भी है हमारे डिपार्टमेंट से ही है। तुम उन दो गुंडों की बात का यकीन कर रहे हो? फिर भी अगर थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान भी लेते हैं तो मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा पुलिस वाला होगा जो ऐसा करेगा या ऐसा करवाएगा। सर अब यकीन से कुछ भी कहना मुश्किल है लेकिन जितने भी मर्डर्स हुए हैं उनके तार आपस में जुड़ नहीं रहे। आई थिंक ये कोई पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज करने के लिए कर रहा है। तो मुझे ये बताओ तुम करना क्या चाहते हो? सर मैंने पांचों क्राइम सीन के डम डेटा निकालकर स्टडी किए। मेरे हाथ में एक नंबर लगा है जो इन पांचों क्राइम सीन पर मौजूद था। किसका नंबर है?
अरे मिठाई लीजिए, बहुत खुशी का मौका है। क्या बात है? मेरे पति की नौकरी दोबारा लग गई है। अच्छी बात है, बधाई हो। अरे साहब, आप लोग लीजिए मिठाई लीजिए। क्या बात है, अपनी गिरफ्तारी खुशी में मिठाई बांट रही हो तुम? मेरी गिरफ्तारी? ये क्या बोल रहे हैं आप? 444-547-685 ये नंबर तुम्हारा है? हाँ, ये नंबर तो मेरा है, पर मेरे पति इस्तेमाल करते हैं। पति इस्तेमाल करते हैं? हाँ, मेरे पति मुकुंद कुमार जी। अरे मुकुंद, सस्पेंशन रद्द हो गया तुम्हारा? जी, ओ आनंद सर के साथ हादसा होने के पहले उन्होंने मेरा सस्पेंशन रद्द कर दिया था। चले आप लोग गलत इल्जाम लगा रहे हो मुझे, कोई सबूत है? बहुत सबूत है, और एक गवाह भी है। गवाह? हाँ, गवाह चंदा। जी साहब, आपका ये आदमी है जो मर्डर करता है। तुझे कैसे पता चंदा? मैंने उसके कपड़े में कई बार खून के धब्बे देखे थे, और एक बार उसके पास चाकू भी देखा था। ये मत सोचना कि तो पुलिस वाला है तो हम रहम करेंगे। अब तो बोलेगा या हम शुरू हो जाएं। तुमने हाथ धोए? अरे क्या कर रहा है? हे राम, ये क्या लाके रख दिया? ये मांसाहारी खाना? हमने तो शाकाहारी खाना मंगाया था ना। मैंने कितनी बार बोला आपसे किसी शाकाहारी होटल में लेके चलो। देवाशीष ने मांस हमारी टेबल पर रखकर हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए हमने उसे मौत की नींद सुला दिया। हे, पागल हो गया? पागल हो गए तुम? कैसी बाइक चलाता है? सब आप। और तूने अपने सीनियर आनंद कुमार को क्यों मारा था? उन्होंने तो तुम्हारी सस्पेंशन रद्द की थी। कमीना था वो, उसी की वजह से तो ये सारे कांड हुए। उसकी जात के लोग हमसे झुककर प्रणाम करते हैं, लेकिन वो इस पुलिस स्टेशन में हमारा सीनियर बन बैठा था। बहुत हुक्म चलाता था हम पर। डिपार्टमेंट के अलावा वो घर के भी काम हमसे करवाता था। उसके टॉर्चर से तंग आकर हमने उसे वहां पहुंचा दिया जहां पर वो रहने के लायक। क्या बिगाड़ा था कार वालों ने तेरा? एक दिन बाइक से मैं अपनी पत्नी राधिका के साथ जा रहा था, एक कार वाले ने ठोक दिया। गलती उसकी थी, चोट हमें लगी थी, लेकिन वो हम पर रौब झाड़ रहा था। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उसने डिपार्टमेंट में हमारी शिकायत कर दी, और मेरे डिपार्टमेंट ने क्या किया? बिना सच जाने सोचे समझे मुझे ही सस्पेंड कर दिया। तेरा साथी कौन था? तेरा पार्टनर कौन था? हमारे दूर का रिश्तेदार है, ब्रजेश। वो भी हमारी तरह जात की वजह से बहुत परेशान हुआ है, इसलिए वो हमारा साथ दे रहा था। उसे यकीन था कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। अपनी जाति या धर्म के प्रति लगाव रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब इंसान दूसरी जाति के लोगों के प्रति नफरत और द्वेष पालने लगता है तो वो किसी भी सभ्य समाज के लिए हानिकारक है। मुकुंद ने सिर्फ 5 लोगों की हत्या नहीं की थी। जब एक आदमी मरता है तो उसका असर उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। मुकुंद के अपराध ने उन 5 पीड़ितों की पत्नियों की जिंदगी को तबाह कर दिया था, और सबसे बड़ी चोट तो मुकुंद ने अपनी पत्नी राधिका को पहुंचाई थी। राधिका को अब तक यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि उसके पति ने 5 लोगों की हत्या की है। आज राधिका की जिंदगी मानो एक मझधार में आकर खड़ी है। एक हत्यारे की पत्नी होने का दाग उस पर लगा है, और वो अच्छी तरह से जानती है कि उसकी और उसकी बच्ची की आने वाली जिंदगी पर इसका कितना गहरा असर होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।